तो आज हम टूर और फैमिलियराइज करेंगे अपने जहाज़ के रेफ्रिजरेटर रूम यानी एयर कंडीशनिंग रूम का, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर रूम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं और उन सभी कंपोनेंट के क्या क्या काम रहते हैं और ये एसी रूम काम कैसे करता है। ये शिप मशीनरीज एंड वर्क प्लेस टूर का 14वां एपिसोड का वीडियो है। बाकी एपिसोड के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के शिप मशीनरीज एंड वर्क प्लेस टूर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ये जहाज़ पे रेफ्रिजरेटर सिस्टम होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केबिन रूम जिसमें हम लोग रहते हैं उसे ठंडा रखना और टेम्परेचर मेंटेन रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रिज, सीसीआर और ईसीआर में इतने इक्विपमेंट रहते हैं, उन्हें भी कूल रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। प्रोविज़न स्टोर में मीट रूम और वेज रूम को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और फूड वेस्ट भी प्रिजर्व करके रखना पड़ता है पोर्ट पे जाने से पहले। तो और भी कार्गो सिस्टम और अन्य जगह के लिए एसी रूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस रेफ्रिजरेटर सिस्टम में कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, ड्रायर, सोलेनॉइड, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कंप्रेसर का बेसिक यूज रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसे सिस्टम में आगे सप्लाई करने का काम होता है। रेफ्रिजरेंट के लिए कंप्रेसर एक सर्कुलेशन पंप की तरह काम करता है, जिसमें दो कटआउट होते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ये सेफ्टी कटआउट होते हैं। जब सक्शन प्रेशर गिरता है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और जब सक्शन प्रेशर बढ़ता है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। उसके बाद कंप्रेसर से पानी गर्म और कंप्रेस होकर कंडेंसर में आता है ठंडा होने के लिए। कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आता है रिसीवर में, और रिसीवर का एक और काम रहता है कि ये रेफ्रिजरेंट का जो भी अनर्गल चीज़ रहता है उसे वो रिपेयर करता है। रिसीवर के आगे एक मास्टर सोलेनॉइड वाल्व रहता है जो कि कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होता है। अगर अचानक कंप्रेसर बंद हो जाए तो मास्टर सोलेनॉइड वाल्व भी बंद हो जाता है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट लिक्विड जो रहता है उसके फ्लडिंग को रोका जा सकता है। मास्टर सोलेनॉइड वाल्व ये मेन लाइन से जुड़ा रहता है, और भी अलग अलग तरह के सोलेनॉइड वाल्व रहते हैं जो अलग अलग जगह पे ये एसी सप्लाई के लिए लगे रहते हैं, कोई ब्रिज, कोई ईसीआर, सीसीआर, कोई प्रोविजन स्टोर इत्यादि जगह। एक्सपेंशन वाल्व का काम रहता है कि वो रूम या अन्य सभी जगहों के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इवेपोरेटर यूनिट सप्लाइड एसी वाले जगहों के हीट को ट्रांसफरिंग करके वहाँ कूलिंग बनाए रखने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट को थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व सही मात्रा में इवेपोरेटर को भेजता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट जो है वो रूम में जाके हीट को एब्जॉर्ब करके वहाँ उसे बॉयल करके वेपर में बदलता है, और उसके बाद वहाँ रूम का टेम्परेचर गिर जाता है जिससे वहाँ ठंडी चालू हो जाती है। ये हाइड्रोब्लास्टिंग का होज और गन इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे रखा गया है स्टोर। इस जहाज़ के इस एसी प्लांट में और भी सहायक कंपोनेंट रहते हैं, जैसे प्रेशर गेज, टेम्परेचर कंट्रोलर और टेम्परेचर गेज, फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे और भी काफ़ी सहायक इक्विपमेंट हैं जिसे आप देख सकते होंगे। मैं डेक साइड से एज ए भी हूँ, इंजन साइड से नहीं हूँ, इसलिए जो मोटा मोटी जानकारी था वो बता दिया। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वैसे टैंकर जहाज़ के सारे काम जो है इस चैनल पे अपलोडेड है, तो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।